आराध्य देव की चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, आज हम कल्याण मंद स्त्रोत्र के अंतर्गत नौवें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर नाइन्थ श्लोक प्रोनंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। मुच्यन्त एव मनुजा सहसाजिनेन्द्र रौद्रैरुपद्र सतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिनि स्फुरित तेजसि दृष्टिमात्रे चौरैरिवासुपसव प्रपलायमानै। अब हम एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे जिससे हम आसानी से याद कर सके। मुच्यन्त, ऐसे बोलना है, मुच्यन्त एव मनुजः, मनुजः सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रव सतैस, रौद्रै इसमें से ऊ निकल जाएगा, उपद्रव सतैस, रौद्रैरुपद्रव सतैस त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिनि, गोस्वामिनि स्फुरित तेजसि, स्फुरित तेजसि दृष्ट मात्रे, दृष्ट मात्रे चौरैरिवासु, चौरैरिवासु प्रपसवः, पसवः प्रपलायमानैः, प्रपलायमानैः। अब हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रव सतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिनि स्फुरित तेजसि दृष्टिमात्रे चौरैरिवासुपसव प्रपलायमानै, चौरैरिवासुपसव प्रपलायमानै। आचार्य सिद्धसेन इस श्लोक में दर्शन का महत्व बता रहे हैं। सातवें श्लोक में आचार्य सिद्धसेन ने नाम जप का महत्व बताया। आठवें श्लोक में भक्त के हृदय में भगवान विराज जाते हैं, उससे भक्त की रक्षा हो जाती है, भक्त के जन्मों जन्मों के कर्म भी शिथिल हो जाते हैं। इन दो श्लोकों को देखने से ऐसा लगता है आचार्य सिद्धसेन स्तुति के साथ साधना का भी रहस्य बता रहे हैं। साधना तीन प्रकार की होती है। पहली साधना नाम जप की होती है, दूसरी साधना अभेद की होती है, अभेद प्रणिधान, यानी भक्त भगवान के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, यानी भक्त और भगवान के बीच में किसी भी प्रकार का भेद नहीं रहता है। तीसरी साधना बताई, तीसरी साधना में क्या करना होता है, दर्शन करना होता है। किसके दर्शन? परमात्मा के दर्शन। परमात्मा के दर्शन करने से क्या लाभ होगा? आचार्य सिद्धसेन कहते हैं यदि भगवान के दर्शन मनुष्य को हो जाए, मनुष्य सैकड़ों सैकड़ों उपद्रवों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि कोई भी संसार का ऐसा व्यक्ति नहीं
जो दावे के साथ कह सके हमारे जीवन में बचपन से लेकर बचपन तक कोई भी समस्या नहीं आई है, कोई उपद्रव जीवन में नहीं हुआ है। ऐसा बहुत कम लोग होंगे, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या ना आई हो, क्योंकि जहां जीवन होता है वह समस्या होती है, वह उपद्रव होता है। उपद्रव भी कई प्रकार के होते हैं, ग्रहों का भी उपद्रव होता है, ग्रह भी व्यक्ति को परेशान करता है, किसी के शनि ग्रह की प्रॉब्लम होती है, शनि ग्रह परेशान करता है, तो किसी को मंगल ग्रह, किसी को बुध ग्रह, तो ग्रह भी परेशान करते हैं। एक उपद्रव होता है नेचर से संबंधित, नेचर में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आती रहती है, कभी अर्थक्वेक आता रहता है, तो कभी भूकंप, कभी बाढ़ आती है, कभी साइक्लोन, अनेक प्रकार के उपद्रव इस जगत में होते रहते हैं। उन उपद्रवों से हम मुक्त कैसे रह सके, उन उपद्रवों से मुक्त होने के लिए हमें प्रभु के दर्शन करने होंगे। दर्शन हम कैसे करें भगवान के, क्योंकि भगवान तो हमारे सामने भी नहीं है, उनका फोटो भी पिक्चर भी हमारे सामने नहीं है, हम कैसे दर्शन कर सकते हैं। समाधान दिया गया, ध्यान की मुद्रा में बैठ करके भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। ध्यान में बैठ जाए, उसके बाद मानसिक चित्र बनाए भगवान का, आंख बंद करके भगवान के दर्शन आप कर सकते हैं। भगवान के दर्शन एक बार भी हो जाता है, उससे व्यक्ति के अनेक प्रकार की जो जीवन में समस्याएं होती हैं, उनसे भी वो मुक्त हो जाता है। यदि वो प्रतिदिन भगवान के दर्शन करता रहे, आने वाली अनेक प्रकार की समस्याओं का वो स्वयं समाधान कर सकता है। परमात्मा के दर्शन करने के लिए जरूरत है अंतर्मुख होने की। व्यक्ति बाहरी बाहर भटकता रहता है, अंतर्मुख नहीं होता है। एक संस्कृत साहित्य में सुंदर कहा है, जब व्यक्ति बच्चा होता है उस समय माँ के सम्मुख रहता है, यानी माता के दर्शन करता रहता है। जब तरुण हो जाता है, युवा हो जाता है, तब पत्नी के सम्मुख रहता है, वाइफ के सम्मुख रहता है। जब वृद्ध हो जाता है तब पुत्र और पोत्रों, यानी बेटे और पोतों के सम्मुख रहता है, लेकिन अंतर्मुख होने की वो नहीं सोचता है। अंतर्मुख होना क्यों जरूरी है? अंतर्मुख होना इसीलिए जरूरी है कि अंतर्मुख होने से हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। जो ध्यान में कहा जाता है सी योर सेल्फ, अपने आप को देखो। हम दूसरों को देखते हैं लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते हैं। अपने आप को देखने वाला ही परमात्मा के दर्शन कर सकता है। जो व्यक्ति अपने आप को देखना नहीं जानता है, अंतर्दर्शन करना नहीं जानता है, वह व्यक्ति कभी भी परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता है। परमात्मा का दर्शन करने से क्या लाभ होगा? बाहर में जो भी उपद्रव है, उन उपद्रवों से वह मुक्त हो सकता है। ग्रह के भी होते हैं, प्रकृति के भी होते हैं, वैसे ही छोटे छोटे जो जंतु होते हैं वो भी उपद्रव करते हैं, वो भी मनुष्य को सताते हैं। वर्तमान समय में हम देखते हैं छोटा सा वायरस जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, इतनी बड़ी ताकत है वायरस में।
तो छोटे छोटे जंतु होते हैं, वे भी व्यक्ति को परेशान करते रहते हैं। पशु पक्षी का भी उपद्रव होता है, कभी कभी एक मनुष्य भी दूसरे मनुष्य को परेशान करता है। ये सारे जो उपद्रव है, अनेक प्रकार की जीवन में उनसे समस्या उत्पन्न होती है, उन सभी समस्याओं का समाधान परमात्मा के दर्शन से हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? आचार्य सिद्धसेन बहुत ही सुंदर और सटीक एग्जाम्पल देते हैं। इसमें कहा गया, गो स्वामिनी स्फुरित तेजसी दृष्ट मात्रे। एक चोर का ग्रुप गांव में चोरी करने के लिए जा रहा है। गांव में चोरी करता है, किस चीज की? गायों की चोरी करता है। आप देख रहे हैं, गायों को ले जा रहा है चोर, तो गायों को वो ले जा रहा है चोरी करके। श्लोक में आपने देखा गोस्वामिनी, गोस्वामिनी की तीन अर्थ है। पहला अर्थ है गोस्वामिनी का मतलब होता है राजा भी होता है, गोस्वामी का मतलब गायों का मालिक भी होता है, गोस्वामी का तीसरा अर्थ होता है सूर्य। तो तीनों ही अर्थ इसमें घटित होता है। ये चोर जैसे ही पशुओं को यानी गायों को चुरा करके ले जा रहे हैं, चोर ले जा रहा है और सामने कौन मिलता है? राजा मिलता है। राजा को देखते ही चोर भाग जाते हैं, आगे चलते हैं, गायों का मालिक मिल जाता है। गायों का जैसे ही मालिक मिलता है सामने, चोर भाग जाते हैं। या सूर्य उदित हो जाता है, तो सूर्य के उदय होने से भी चोर भाग जाते हैं। चोरों का काम रात में होता है चोरी करने का, दिन में वो नहीं कर सकते। आजकल दिन दहाड़े भी चोरियां होती है, लेकिन प्राचीन समय में कहा जाता था रात्रि में 12 बजे से वो 3 बजे तक चोरी करते थे, बाद में नहीं करते थे। ये जो चोर है वो गायों को चुरा करके ले जा रहे हैं, लेकिन सामने ही राजा या गायों का मालिक मिलता है या सूर्य उदित हो जाता है। तीनों में से कोई एक चीज होने से भी चोर भाग जाते हैं। वैसे ही भगवान के दर्शन एक बार भी मनुष्य कर लेता है तो सैकड़ों भयंकर उपद्रवों से वह मुक्त हो जाता है। जैसे गाय का मालिक चोर को देख लेता है तो चोर भी भाग जाते हैं, वैसे भगवान के दर्शन होने से मनुष्य के भी सैकड़ों सैकड़ों उपद्रव दूर हो जाते हैं। अब हम मीनिंग समझेंगे, संस्कृत हिंदी और इंग्लिश। जिनेंद्र, हे जिनेंद्र, इंग्लिश में भी है हे जिनेंद्र। त्वयि, तुम्हारे। योर, विक्षिते, विक्षिते का मतलब होता है दर्शन मात्र से। जस्ट बाय साइट। अपि, अपि मीन्स भी, टू मनुजहा, मनुजहा का मतलब होता है मनुष्य। ह्यूमेंस, ह्यूमेंस। रौद्रही, भयंकर। फ्राइटफुल्स, फ्राइटफुल। उपद्रव सतही, सैकड़ों उपद्रवों से। फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस, 400s ऑफ डिस्टर्बेंसेस। सहसा, सहसा माने शीघ्र ही, अचानक ही। वेरी सून, वेरी सून। मुच्यन्ते, मुक्त हो जाता है। गेट फ्री। स्फुरित तेजसी, स्फुरित तेज वाले। ब्राइट एनर्जी। गो स्वामिनी वाले के। लाइक काउ हर्ड्स। दृष्ट मात्रे, देखने मात्र से। जस्ट बाय लुकिंग, प्रपलाय मानहि, भागते हुए। रनिंग अवे। चौरही,
चौरही यानी चोरों से, फ्रॉम थीव्स इव जैसे, लाइक आसु शीघ्र शून, पसवह, पसवह का मतलब क्या होता है, मुक्त हो जाते हैं पशुए, पसवह का मतलब पशु, पशु क्या होते हैं मुक्त हो जाते हैं, एनिमल्स बिकम फ्री, एनिमल्स बिकम फ्री, अब हम हिंदी गुजराती और इंग्लिश में जो हमने मीनिंग समझी थी उसी का हम भावार्थ समझेंगे। हे जिनेन्द्र, आपके दर्शन मात्र से भक्तजन सैकड़ों भयंकर उपद्रव से शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं, जैसे गांव के पशुओं को चोर चुरा कर ले जाते हैं, किंतु जो ही बलवान तेजस्वी ग्वाला दिखाई देता है क्यों ही पशुओं को छोड़कर वे चोर झटपट भाग खड़े होते हैं। मालिक के सामने कहीं चोर ठहर सकते हैं, कदापि नहीं। गुजराती, हे जिनेन्द्र, आपना दर्शन मात्र थी भक्तजन सैकड़ों भयंकर उपद्रव थी शीघ्र मुक्त थई जाय छे। गामना पशुओं ने चोर चोरी करीने लई जाय छे, परंतु जेवो बड़वान तेजस्वी ग्वार देखाय छे कि तरत ज ते चोर पशुओं ने छोड़ीने झटपट भागी जाय छे। मालिक ने सामने से चोर वो रही सके कदापि नहीं, क्यारे ही नहीं। अब इंग्लिश में हम समझेंगे उसी को। ओ जिनेन्द्र, the pious beholding of your image at once makes your devotees free of hundreds of terrible torments. Thieves steal cattle from a village, but on seeing the strong and alert cowherd, they elope in a hurry, abandoning the cattle, Ten thieves dare face the owner of the cattle? No chance. इस श्लोक में हमने समझा जाना कि भगवान के दर्शन का कितना महत्व है। एक बार भी भगवान के दर्शन हो जाए, साक्षात दर्शन हो जाए तो कितना लाभ होता है। सपने में भी ध्यान में भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं, उससे भी व्यक्ति की सारी समस्याएं दूर हो जाती है, अनेक प्रकार के उपद्रव विघ्न बाधाएं सब दूर हो जाते हैं। तो भगवान के दर्शन हम कर सकते हैं, आज भी हम कर सकते हैं, ध्यान के माध्यम से मानसिक चित्र तैयार करके भगवान का, फिर हम ध्यान की मुद्रा में बैठ जाए, हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान के दर्शन करने की हम कोशिश करें, उसके लिए चाहिए ध्यान। तो प्रतिदिन हम 24 आवर्स में से एक घंटा आधा घंटा जैसे भी आपकी सुविधा हो वैसे ध्यान करें। ध्यान में हम अरिहंत सिद्ध परमात्मा का ध्यान करें, उनका चित्र बनाएं और फिर उनके साथ तादात्म्य स्थापित करें, उनके दर्शन करें, जिससे आने वाली जो भी समस्याएं हो हमारे जीवन की वो दूर हो जाए और हम अच्छी तरह से जीवन जी सकते हैं, रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं और विघ्न बाधाएं जो आती है उनको भी हम भगवान के दर्शन से दूर कर सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।